सो 4:10 से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तब तो हम लोग वेट कर लेते, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सो ऐसे किसी का भी कोई, क्योंकि बेसिक से क्लास चलेगी, आज डे वन की क्लास है, तो आराम से रिलैक्स होकर प्रॉपर वे में हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर आप लोग सारे पॉइंट डिस्कस भी, मतलब देखिएगा भी, पढ़िएगा, और किसी को कोई डाउट वगैरह भी होगा तो वो क्या करेगा, मैसेज बॉक्स में अपने डाउट को ड्रॉप करता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, जो हमारा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। उसके अंदर फेसबुक मार्केटिंग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा आप लोग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे, जिन प्लेटफॉर्म्स में हमारे एड वगैरह रन होते हैं। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारा, 10 टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां पे सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब का होगा, सेकेंड प्लेटफॉर्म हमारा सोशल मीडिया का होगा, थर्ड हमारा वेबसाइट का होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा एप्स का होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा ट्रू कॉलर का, सिक्स पॉइंट होगा हमारा ई कॉमर्स, ऐसे 7 पॉइंट हमारा हो जाएगा गूगल मैप का, 8 पॉइंट जीमेल का, और 9 पॉइंट हमारा प्ले स्टोर का हो जाएगा, 10 पॉइंट लास्ट पॉइंट हमारा लैपटॉप ब्राउजर का हो जाएगा। ये 10 प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पे हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। और ये 10 प्लेटफॉर्म्स का क्या वर्क है, 10 प्लेटफॉर्म्स में ही हम लोग अपने एड्स वगैरह जो क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो इसी में से हम लोग इसी एक प्लेटफॉर्म को उठा रहे हैं, जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के 4 टाइप्स होंगे, ठीक है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कितने तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारा फेसबुक मार्केटिंग का, सेकंड प्लेटफॉर्म है हमारा इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, थर्ड प्लेटफॉर्म है हमारा ट्विटर मार्केटिंग का, और फोर्थ एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है हमारा लिंक्डइन मार्केटिंग का। तो इन फोर्थ ही प्लेटफॉर्म्स को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज का फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा हमारा फेसबुक मार्केटिंग का। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज की जो भी बातचीत हमारी होगी वो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर होगी। ओके, सो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग फेसबुक में कहते क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फेसबुक में आके पहले चेक कर लेते हैं कि फेसबुक का प्रोसेस क्या है, फेसबुक में हम लोग को करना क्या क्या होगा। तो मैं अपना एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजों को डिस्क्राइब करता हूँ। आराम से रिलैक्स होकर सारी चीजों को पढ़िएगा, ठीक है। किसी कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आराम से अपने मैसेज बॉक्स में उस डाउट को ड्रॉप करते जाइएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग के डाउट, मतलब अपने डाउट हो जाएंगे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग के डाउट उठाता जाऊँगा, उसको रिप्लाई करता जाऊंगा, ठीक है। तो इससे हम लोग की क्लास जो होगी आसानी से चलती रहेगी। तो यहाँ पे आके हम लोग अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट ओपन था, क्योंकि मैंने अपने जीमेल को लॉगिन पहले से करके रखा था, इसलिए इसने मेरे डायरेक्ट जीमेल वगैरह को ले लिया है, ठीक है ना। अब ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा 1 मिनट में। एक सेकंड जरा रखिएगा, आप लोग को कहते स्क्रीन में विजुअल हो जाएगा ये चीज, थोड़ा सा नेट का इशू होगा तो ये ऐसा होगा। चल हाँ, देखिए आपको स्क्रीन में शो हो गया होगा। बाकी सभी लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम लोग टाइमली कनेक्ट होंगे, ठीक है। मैं जानबूझ के क्लास को 4:00 PM की हमारी क्लास है, लेकिन हम लोग 4:05 पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग आराम से ज्वाइन हो जाएं, और हम लोग जब क्लास को स्टार्ट करें तो किसी की भी क्लास छूटे ना, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम लोग को क्या, हम लोग को वीडियो वगैरह तो आप लोग को रिकॉर्डिंग वीडियो से मिल जाएगी आप लोग को, बट जब हम लोग लाइव क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग को चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। सो आज की क्लास में हम लोग को क्या देखना है, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो फेसबुक है, फेसबुक के अंदर हम लोग को क्या करना होता है। सबसे पहले एक बिजनेस पेज तैयार करना पड़ता है। अच्छा, बिजनेस पेज तैयार क्यों करना पड़ता है,
इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। देखिए बेसिक से क्लास को लेके मैं चल रहा हूँ, जिससे आसानी से सारी चीजों को मैं आपको कोरिलेट कर पाऊं, आप लोग को कोई डाउट वगैरह हो ही ना, ठीक है। तो ये बिजनेस पेज इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले हम लोग को कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक शॉप तैयार करनी पड़ती थी। तो शॉप तैयार करने में तो चलिए कहते हैं शॉप हमने तैयार कर ली, ठीक है ना। उसके बाद हमें अपना ऑफलाइन ऐड भी करना पड़ता था, अपनी बातचीत को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ऑफलाइन ऐड करना था। वो जो ऑफलाइन ऐड हम लोग करते थे, वहां उस वाले पॉइंट को यहाँ पे आके देखिए कनेक्ट कर रहा हूं मैं, कि वो जो ऑफलाइन जो मतलब शॉप बनाते हैं उसको हम लोग वेबसाइट से समझेंगे। जब हम लोग वेबसाइट वाले टॉपिक पे आएंगे तब उसको समझेंगे कि ऑनलाइन शॉप क्या होती है, ठीक है ना। तो शॉप वाले पोर्शन को हम लोग अभी हाइड करके चलेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि शॉप बनाने के बाद जब हम लोग ऑफलाइन में ऐड करते हैं ट्रेडिशनल वे में, उस ऐड का जो बातचीत होती है वो यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग कैसे करेंगे। डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, ये फेसबुक अकाउंट हम लोग यहाँ पे एक अपना बना लेंगे, ठीक है। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक अपना बिजनेस पेज बनाएंगे। बिजनेस पेज क्यों बनाएंगे, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई बता पाए कि हमारे बिजनेस के बारे में सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कि हमारा बिजनेस किस चीज का है, क्या उसमें हम लोग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये सारी बातचीत जो कस्टमर कंज्यूमर तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, ये किसके किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाएंगे, फेसबुक में एक बिजनेस पेज तैयार करके। अब आ जाता है एक पॉइंट हमारा कि भाई बिजनेस पेज होता है तो होता कैसे, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा बिजनेस पेज है और ये हमारा अकाउंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग अपनी स्क्रीन में देख लेते हैं, स्क्रीन में हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रीवियर करके, ये देखिए नीचे एक स्पॉन्सर्ड करके लिख के आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीन में थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये अपने स्क्रीन को जूम करके देख लीजिएगा। नीचे देखिए प्रीवियर में ये स्पॉन्सर्ड करके लिख के आ रहा है। जिस पेज पे कहते देखिए स्पॉन्सर्ड लिख के आ जाएगा, ठीक है ना, जिस नेम के नीचे, तो हम लोग वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है। फेसबुक में किसी भी पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसके नीचे ये चेक कर लेते हैं क्या उसके नीचे स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ है। अगर उसके नीचे स्पॉन्सर, हाँ कुलदीप कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, नहीं। ओके डन। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करेगा, या ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब हम लोग के पढ़ने का जो रिदम बना होता है वो रिदम बीच बीच में टूटता रहता है। तो उसमें होता क्या, हम लोग जब आराम से धीरे धीरे चीजें पढ़ते जाएंगे और जिसका जो भी डाउट होगा वो आराम से अपने मैसेज बॉक्स में धीरे धीरे करके ड्रॉप करता जाए। मैं जैसे ही मेरा 5-10 मिनट की क्लास रनिंग मोड पे आ जाएगी, मैं बीच में आप लोग के क्वेश्चन को उठाऊंगा और सबको एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई देता जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग की क्लास भी बहुत अच्छे से चलेगी और सभी स्टूडेंट को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज करी कि फेसबुक पे आके हम लोग क्या करते हैं, अपना एक बिजनेस पेज बनाते हैं। बिजनेस पेज बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि फेसबुक की जो ऑडियंस है उसको हम अपने बिजनेस को कैसे शो करेंगे भाई। जैसे हमने अपने मतलब ऑफलाइन में अपने कहते हैं ऑडियंस को बुलाने के लिए हमने एक शॉप बना के रखी थी, तो अब यहाँ पे भी तो ऑडियंस को बुलाएंगे तो कोई एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करना पड़ेगा ना हमें अपना, तो उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस पेज, ठीक। उस बिजनेस पेज के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उस बिजनेस पेज के माध्यम से वहां पे हम लोग अपना, जैसे इनका देखिएगा यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इनका ये एक लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना, लोगो लगा होगा यहाँ पे। इसमें इन्होंने कहते देखिए एक पोस्ट वगैरह रन करके रखी हुई है, ये इमेज वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज वगैरह के बाद इन्होंने यहाँ पे कैप्शन वगैरह रखे। अभी हम आपको बताएंगे कि कहते ये जो ऊपर हम लोग जो ये टेक्स्ट मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रनिंग फेसबुक लीड एड बट नॉट गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक कैप्शन, इसको हम लोग फेसबुक की भाषा में या डिजिटल की भाषा में हम लोग इसको कैप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, कल की क्लास में, जैसे आज अगर कोई ना भी लिए हो तो कल की क्लास में सब लोग पेपर या कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे क्लास में, उस चीज को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्या होगी, ये आपको आगे जाके बहुत ही इसको बेनिफिट मिलेगा आपको इसका। जैसे ये प्रीवियर था, प्रीवियर में इन्होंने क्या करा था, अपनी एक लोगो लगा रखा है कंपनी का, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा हुआ है, इनके पास कोई वेबसाइट वगैरह है, देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगा एक ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा मेरे कर्सर के पास, देखिएगा आप लोग prevyor.com करके इनकी जो वेबसाइट है। अब जैसे इनके पास वेबसाइट थी तो मतलब एज अ ट्रेडिशनल वे में हम लोग इसको देखें तो इनके पास एक शॉप है ऑनलाइन, ठीक है ना। उस शॉप के होते हुए भी वो पब्लिक में कहते हैं ऑडियंस को लाने के लिए यहाँ पे भी अपना एक बिजनेस पेज तैयार करके उन्होंने कर रखा है।
ठीक है ना, उसकी मदद से वो क्या करेंगे, अपनी जो भी सर्विसेज हैं इस बिजनेस पेज में वन बाय वन बताते जाते हैं, जिससे ऑडियंस इनके बिजनेस पेज पे आ जाए, और वहां से ऑडियंस को अगर वो इंटरेस्टेड होगी उस चीज से तो वो क्या करेगी, वहां से जंप करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे चली जाएगी। तो ये एक हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग लीड को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक पे आ गए, हम लोग को ये मालूम चल गया कि फेसबुक में हम लोग को एक पेज तैयार करना पड़ता है जिसको हम लोग बिजनेस पेज बोलते हैं। ठीक, बिजनेस पेज को हम लोग फेसबुक में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को उसके नीचे एक स्पॉन्सर्ड करके जिस चीज के नीचे लिख के आ रहा होता है वो, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, पेज, जिसको हम लोग बिजनेस पेज बोलते हैं। उसके नीचे जो कैप्शन लिखा, मतलब उसके नीचे जो टेक्स्ट वगैरह मेंशन करा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्शन। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्शन। ठीक, अब इसके नीचे आ जाते हैं, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक जैसे इमेज वगैरह हमारी तैयार है, ठीक है ना, तो इमेज वगैरह क्या क्या है इसको हम लोग अभी आगे की क्लास में देखेंगे। एक कैनवा करके एक टूल आता है हमारा, ठीक है, एक मोबाइल पे ऐप आएगी कैनवा करके, उसके थ्रू हम लोग को फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगी। फ्री टेम्पलेट में हम लोग एडिट वगैरह करके हम लोग बहुत अच्छी सी एक अपनी टेम्परेरी बेसिस पे एक एक इमेज वगैरह या टेम्पलेट वगैरह तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें बनी बनाई सारी टेम्पलेट्स होती हैं, उसमें हम लोग अपनी तरह से सभी चीजों को एडिट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन वगैरह भी मैं अभी ले लूंगा, ठीक है, अभी आप लोग धीरे धीरे समझते जाइए चीजों को, फिर मैं आप लोग के क्वेश्चन वगैरह भी ले लूंगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये बता ही दिया था कि प्रीवियर डॉट कॉम करके इनकी इनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक इन्होंने इसमें मेंशन करके रखा हुआ है, जिसके जिससे क्या होगा कि ऑडियंस वगैरह जो भी हमारी है, ठीक है, ऑडियंस जो भी हमारी है वो ऑडियंस अगर इंटरेस्टेड होगी तो ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे चली जाएगी। यही मेरा मेन फंडा होता है इस बिजनेस पेज को बनाने का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इस बिजनेस पेज को हम लोग कैसे तैयार करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में टॉप पे एक मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है, मेन्यू के ऑप्शन पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक फोर्थ नंबर पे एक पेज का ऑप्शन आ रहा है, पेज के ऑप्शन पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। पेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने हम लोग को क्रिएट अ पेज करने का एक ऑप्शन खोल दिया है, जहां पे हमें अपने बिजनेस का पेज का नेम बताना है, ठीक है ना। पेज के नेम को बताने का मतलब होता है बिजनेस का नेम हम लोग को बताना है। अच्छा, एक चीज आप लोग एडिशनल वे में ध्यान रखिएगा कि हम लोग को अपने बिजनेस का जो नेम बताना होता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए हमारा नेम बिजनेस का, जिसमें उस नेम में कहीं ना कहीं कोरिलेट हमारा बिजनेस हो रहा हो, ठीक, मतलब हमारा हमारे नेम को ही सुन के ऑडियंस को ये मालूम चल जाए कि हमारा बिजनेस किस चीज का है, ठीक है। ये मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, एक आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही नॉर्मल सा होता है, दोनों के काम करने के तरीकों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कोई दूसरा पर्सन भी पेज बनाएगा और एक पेज आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है ना, तो पेज तो दोनों लोग, पेज बनाने का प्रोसेस उसको भी वही मालूम होगा, यही वही प्रोसेस आपको मालूम होगा, तो वो दोनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जो मैं आपको पॉइंट अभी क्लियर कर रहा हूँ। जब आप लोग पेज में नेम लेंगे तो नेम लेते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो आप लोग नेम ले रहे हैं, एक तो नेम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट, वो नेम थोड़ा सा कैची टाइप का होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए, जिससे पब्लिक वन टाइम पढ़े और तुरंत उसके माइंड में हिट हो जाए। ये सारी थोड़ी सी मार्केटिंग का पॉइंट है, लेकिन ये सब चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब पेज वगैरह किसी का हैंडल आउट कर रहे होंगे तो हो सकता है शायद किसी का पेज वगैरह बनाना भी पड़ जाए, तो पेज बनाते समय या उसमें उसके पेज में जैसा पेज उसका अच्छा नहीं है तो आप लोग को उसका पेज अच्छा भी करना पड़ेगा, जिससे हमारी ऑडियंस वगैरह को लगे कि हाँ ये इनका जो बिजनेस वगैरह जो है काफी अच्छा है, ठीक है। तो नेम लेते समय हम लोगों ने क्या समझा कि नेम हमारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए जिससे हमारे उस नेम में हम लोग का बिजनेस शो हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं अपना एक पेज तैयार करता हूँ टेक्निकल व्यू नाम से, स्क्रीन में आप लोग देखते जाइएगा, आप लोग की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, टेक्निकल, और यहाँ पे राइट साइड में आपको प्रीव्यू वगैरह दिखता जाएगा, ठीक है। तो हमने टेक्निकल व्यू नाम से एक अपना बिजनेस पेज ले लिया, ठीक है, पेज का नेम ले लिया, ठीक है। अब इसको कैटेगरी वगैरह में डिसाइड कर लेते हैं किस कैटेगरी में हम लोग को इसको लेना है, तो जैसे हम लोग कैटेगरी इसमें डाल देते हैं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके, ठीक है ना, ये आईटी की एक कंपनी को कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने इसकी कैटेगरी को डिसाइड कर दिया कि हमारा जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग चूज कर लेंगे। फिर लास्ट में हमारा ये आता है बायो करके। बायो का मेन मतलब होता है कि जो हमारा वर्क है उसकी कुछ मतलब हमारे वर्क को एक शॉर्ट फॉर्मेट में बताना हो तो हम लोग उसको क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कंप्लीट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान से बस समझते जाइएगा। अजय आप लोग बेटा थोड़ा टाइमली कनेक्ट हुआ करिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे राइट साइड में आप देखते भी जाइएगा, जो चीज हम लोग करते जाएंगे वो राइट साइड में आपको शो होती जाएगी एज अ प्रीव्यू, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखिए देखिए मैंने नेम क्या लिया था, टेक्निकल व्यू, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कोई इन्फॉर्मेशन है। नीचे मैंने और क्लियर कर दिया कंप्लीट टेक्निकल इन्फो, मतलब कंप्लीट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट अ पेज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे जाके नीचे क्लिक कर लेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग को ये क्या बोलेंगे कि आप अपना वेबसाइट, जैसे देखिए अब यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट का नाम दे दिया कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उससे हम लोग का बेनिफिट क्या होगा, उससे हम लोग का बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो ऑडियंस वगैरह हमारे पेज पे आएगी वो यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड होगी तो डायरेक्ट उस लिंक से क्लिक करके डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे चली जाएगी। हमारा हमारा जो मोटो है यहाँ पे पेज बनाने का वो यही है कि जो भी ऑडियंस है वो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे जंप कर जाए, ठीक। तो वो हमारा मोटो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई ये ले लेता हूँ technicalview.com, ठीक है। ये इनकी एक हमने वेबसाइट ले ली, यहां पे जाके हम लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देंगे। कोई भी आप लोग नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, मतलब अपना ओरिजिनल नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, आप लोग काम वगैरह करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, हाँ यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या आएगी आप लोग को, यहाँ पे हम लोग को जो अपना कंट्री कोड होगा उसके साथ चीजों को मेंशन करना होगा, ठीक है। तो +91 करके हम लोग अपने नंबर को, हमारा कंट्री कोड क्या है +91, यहाँ करके हम लोग अपने नंबर मेंशन कर देंगे, डन, ठीक है। जो वर्क हमारा डन होता जाएगा वहां पे वो ग्रीन सिग्नल हमको देता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से बस समझते जाइएगा, ठीक है। जहां पे कोई भी इशू वगैरह अगर आएगा तो वो ऑटोमेटिक उसको रेड वगैरह सिंबल से आपको सो इंडिकेट करता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे इनकी एक ईमेल आ जाती है, ईमेल वगैरह वैसे तो एक बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, तो हम लोग एक बिजनेस ईमेल का एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी इतनी बड़ी रन कर रहा होता तो उसकी एक ईमेल जो होती है वो एक बिजनेस ईमेल होती है। बिजनेस ईमेल हमारी कैसी होती है, वो हमारी इन्फो वगैरह से स्टार्ट होती है, जैसे info@technicalview.com, ठीक, info@technicalview.com, इस सब मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ले ले रहा हूं, ठीक है। एकदम एज इट इज इस तरह से ही पेज को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे लोकेशन की बातचीत हो गई, लोकेशन की बातचीत में क्या करना है, हमें अपने जो भी बिजनेस का जो एड्रेस वगैरह है, ठीक है, मतलब जहां पे हम अपनी कंपनी वगैरह को स्टेबलाइज करके रखे हुए हैं उस कंपनी का एड्रेस वगैरह यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, जिससे हमारी जो ऑडियंस वगैरह हो वो अगर ऑफलाइन विजिट करना चाहती है हमारे कंपनी में तो वो यहां से डिटेल्स निकाल के अपना ऑफलाइन विजिट कर सकती है। तो एज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विजयनगर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट टैब पे आ जाते हैं, टाउन सिटी पे हम अपना कानपुर चूज कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए आ गया कानपुर उत्तर प्रदेश, इसको चूज कर लेते हैं। ये वाला हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे देखिएगा कहते हैं बॉटम पे, लेफ्ट साइड के बॉटम पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, कर्सर पे देखिएगा, यहाँ पे जाके हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे,
यहां पे नेक्स्ट करने के बाद अब ये हम लोग को क्या बोल दिए हैं कि ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करने वाला क्या हो जाएगा कि हम लोग को जो भी अपना लोगो वगैरह डालना है, या तो कंपनी ने पहले से बना के रखा होगा लोगो, उसी लोगो को सेम एज इट इज रखना है, क्योंकि ये जो लोगो हमारा जो सेम होता है इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। ठीक है ना, थोड़ा सा मार्केटिंग का टचअप है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जब आप लोग पेज बना रहे होंगे ना, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके माइंड सेट में पहले से होगी, तब आप लोग ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के तुवे में दिखेंगे। मतलब एक सोशल मीडिया जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एक जो प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो जब कोई काम को करता है ना, तो उसके काम को करने का तरीका और अदर पर्सन के काम के करने का तरीका, दोनों में काफी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो वो जो डिफरेंस दिखता है ना, वो डिफरेंस ना हो, वो सारे पॉइंट्स भी मैं इसी के साथ साथ उसको कोरिलेट करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो बस आराम से समझते जाइए सारे पॉइंट। यहाँ पे हम लोग अपनी जो लोगो लेंगे वो हमारे कंपनी का जो लोगो होगा वही डालेंगे। ठीक है, या अपना लोगो एक प्रोफेशनल बनाएंगे। लोगो बनाते समय क्या बातचीत ध्यान रखनी पड़ेगी कि लोगो भी हमारा कुछ इस टाइप का हो कि वो लोगो में कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर कर रहा हो वो चीज वहां पे। चलिए ठीक है, हम अभी एज एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेंगे, लेकिन मैं जैसे मैं इसी का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम का। इसको हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है एज ए एग्जाम्पल के फॉर्मेट पे, लेकिन जो हम लोग का बिजनेस बनेगा उसका एक लोगो भी तैयार करा जाता है, उस लोगो को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अभी आगे की क्लास में हम लोग लोगो वगैरह भी सीखेंगे। अब नीचे हमारा आ रहा है एड अ कवर फोटो। कवर फोटो का भी एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज है, अभी जब मैं आपको बना के दिखा दूंगा तब मैं आपको अपना एक पेज दिखाऊंगा, उस पेज पे जरा देखिएगा कि कहते हैं मैंने क्या क्या चीजों को मेंशन करके रखा हो, तब आपको ध्यान से समझ में आएगा कि अच्छा ये पॉइंट भी देखे जाते हैं। यहाँ पे आके हम लोग एड कवर फोटो पे क्लिक कर लेंगे, जिससे हम लोग बैकग्राउंड में अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी कहते एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखनी है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जहां से पब्लिक डायरेक्ट हमारे पेज के आप पेज पे आने के बाद, जैसे कोई ऑफर वगैरह है या कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या मेरे कोई वेबसाइट या ट्रैफिक का कोई बिजनेस है, तो ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ हमने डाल दिया उसमें, जिससे पब्लिक को मालूम चल जाएगा कवर फोटो से कि इनका कोई ट्रैफिक से रिलेटेड कोई काम बातचीत ये करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट ले लेते हैं याली, इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर लिया, ये हमारा यहाँ पे ये तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए राइट साइड में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपका देख रहा है डेस्कटॉप व्यू, ठीक, उसी के जस्ट बगल में कर्सर पे देखिएगा, उसी के जस्ट बगल में मोबाइल व्यू दिख रहा होगा, तो दोनों व्यू आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये आप लोग को जो व्यू दिख रहा है ये आपका डेस्कटॉप दिख रहा है, जब आप उसको चेंज कर देंगे तो ये आपको मोबाइल व्यू पे इस फॉर्मेट पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वापस अपने कहते हैं डेस्कटॉप व्यू पे ले लेते हैं इसको। अब उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है, एड एक्शन बटन। यहाँ पे एक बटन यूज करेंगे ये लोग एक्शन बटन के लिए, जहां से पब्लिक आपके पास आ पाए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, कोई भी आपको बटन चूज करनी है जिसके थ्रू पर्सन जो हो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आपकी साइट वगैरह में या कहीं पे भी आप लोग पहुंचाना चाहते हैं वहां पे, आप जैसे हम लोग का कहते हैं वेबसाइट वगैरह होगी तो हम लोग साइन अप की बटन चूज कर सकते हैं, या बुक नाउ की बटन आ रही बुक नाउ पे कर सकते हैं, जैसा हमारा जैसे लैपटॉप का बिजनेस है। ठीक है ना, अगर हमारा लैपटॉप का बिजनेस है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे लैपटॉप को आप बुक करिए तो हम लोग यहाँ पे जो टैब चूज करेंगे वो बुक नाउ का चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें उनको अपनी वेबसाइट वगैरह में लेके जाना है तो वेबसाइट के लिए हम लोग उनको साइन अप वगैरह में चूज कर लेंगे। अगर हमारा ये जो पेज हम लोग तैयार कर रहे हैं ये कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड होगा तो ऑर्डर वगैरह उन्हें करना होगा, तो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इस टैब का चूज करेंगे जो थर्ड नंबर पे आ रही है। ठीक है ना, और अगर हमारी कोई गारमेंट वगैरह की शॉप है जिसको हम लोग ऑनलाइन सेल वगैरह करते हैं उसके प्रोडक्ट वगैरह, तो उसके लिए वहां पे क्या चूज करेंगे, व्यू शॉप को। लास्ट में हमारा कोई टिकट से रिलेटेड कोई वो है, मतलब कोई हम लोग सेमिनार वगैरह करते हैं तो उसकी टिकट वगैरह के लिए अगर कोई हम लोग को वो लगना है तो यहाँ पे कौन सी बटन को यू चूज करेंगे, फोर्थ नंबर की बटन को। बहुत बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को मेंशन करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी एक चीज को ले सकता हूँ, तो मैंने जैसे साइन अप की बटन को क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आके
जैसे हम लोग को किसी को कहना है, कहते कि वो भाई कॉल नाउ की बटन को भी चूज कर सकता है, वो अगर चाहे तो कॉल नाउ की बटन भी चूज कर सकता है। तो कॉल अगर हम लोग को डायरेक्ट पर्सन से क्या करना है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी का वर्क है, तो प्रॉपर्टी के वर्क में होता क्या है कि पर्सन इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट वगैरह में नहीं देखेगा, वो क्या करेगा डायरेक्ट वो कोशिश ये करेगा कि आपसे सीधे कॉन्टेक्ट हो जाए मेरा, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा हम किस बिजनेस के लिए ये वेबसाइट को या ये पेज को तैयार कर रहे हैं। तो जैसे हमारे कोई प्रॉपर्टी का वर्क होगा, तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी के लिए ये काम कर रहे होंगे प्रॉपर्टी डीलर के हिसाब से, तो वहां पे फिर हम लोग कॉल नाउ का बटन लगाएंगे जिससे उनकी लीड आसानी से उनको मिल पाए, ठीक है। या नीचे कॉन्टेक्ट अस आता, वहां पर भी हम लोग क्लिक करके आगे की बातचीत कर लेंगे। ठीक है, यहां पे आने के बाद यहां पे हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आने के बाद क्या होगा, अब देखिए नेक्स्ट पे आने के बाद ये क्या कहेंगे, ये देखिए नीचे आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी ये देते जाते हैं कि जो आप लोग ये वर्क कर रहे हैं, इस वर्क की जो कहते हैं मतलब जो वर्क कर रहे हैं आप अच्छा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट साइड में बॉटम पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है पेज हेल्थ गुड, मतलब आप जो पेज तैयार कर रहे हैं ये काफी ध्यान से आप लोग मतलब काफी चीजों काफी पॉइंट जो देखे जाते हैं पेज में, वो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट मतलब इस पेज को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो आप वो भी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगा, जैसे उनका उनका जो बिजनेस नंबर होगा वो आप अपना मेंशन कर लेंगे। बिजनेस वगैरह मेंशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ का मेंशन करने के बाद यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग का जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बिजनेस पेज होता है मतलब, ठीक है ना, एक व्हाट्सएप बिजनेस करके अकाउंट होता है ना हमारा, तो वो अकाउंट अगर आपका खुला होगा तो वो भी ठीक रहेगा, नहीं तो आपका नॉर्मल अकाउंट होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे गेट कोड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जाके जब हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो होता क्या है कि ये हमारा मोबाइल जो आप कोड वगैरह उसमें मेंशन कर देंगे तो डायरेक्ट आपको ये जो व्हाट्सएप अकाउंट जो है वहां पे आपके पेज पे जाके ऐड हो जाएगा, जिससे ऑडियंस क्या होगी वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे आपकी लीड आना स्टार्ट हो जाएंगी, इसीलिए हम लोग व्हाट्सएप की टैब का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, अभी हम लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें इसको ऐड करना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि हम लोग को क्या करना होगा, तो ये चीज हम लोग अभी होमवर्क में आपको दूंगा लास्ट में, तो ये सारा होमवर्क आप लोग को घर से करना होगा, ठीक है। और बना के मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजेंगे आप लोग, क्योंकि मैं जो भी आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन डेली की डेली आपको बताता जा रहा हूँ, कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड होगी, कुछ उस टॉपिक से उससे एडिशनल चीज होगी तो वो भी होगी, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स को आप बस डिटेल से समझते जाइएगा बस, ठीक है ना। एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स जो होता है वो यहीं से ही पूछता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन वहीं पे आ रहा है। हाँ शिवम, मैं उसको मोबाइल पे भी आपको बता दूंगा, पहले थोड़ा सा लैपटॉप पे बता देता हूँ, फिर हम लोग मोबाइल पे भी डिस्कस कर लेंगे इन सभी चीजों को, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हमारा वर्क डन हो जाएगा। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में बॉटम पे देखिए डन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डन कर ले जाएंगे। जब हम लोग इसको डन कर लेंगे तो ये प्रॉपर वे में, देखिए यहाँ पे क्या एक एक पॉइंट आप ये बता रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे देखिए एक चीज आ रही है यहाँ पे, इस चीज को आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, ये क्या कह रहे हैं, योर पेज हैज बीन अनपब्लिश्ड, इन्होंने मेरे पेज को अनपब्लिश्ड सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि दिस इज बिकॉज टेक्निकल व्यू गोस अगेंस्ट अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मतलब इनकी जो कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट में, मतलब कुछ इनके जो रूल्स हैं उस रूल्स को हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस पेज को क्या कर रहा है ये, इसको प्रमोट नहीं होने दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जो हम लोगों ने अपना नेम चूज किया था, नेम में जाके कुछ ना कुछ चेंज कर लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आप लोग को एज अ एग्जाम्पल चीजों को
समझा रहा था। ठीक है, तो ये जो भी आप लोग कुछ मिस्टेक्स वगैरह करते हैं, तो वो सारी मिस्टेक्स वगैरह, ये मिस्टेक्स नहीं होती है हमारी, ये तो एज हमारा नाम था, हमें नाम ये चूज करना था, लेकिन ये इनकी कहते हैं, जो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बना के रखी हुई है, तो उस रेगुलेशन को वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनको, क्योंकि इनका भी जो वर्क है बिजनेस वो टेक्निकल का ही है, इसीलिए इस चीज को वो वर्किंग पे नहीं लाने दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। पेज बनाने का जो प्रोसेस था, जो हम लोग को सीखना था, वो सेम एज इट इज ऐसा ही प्रोसेस है। ठीक है ना, बाकी इस पेज पे कुछ भी आप लोग को मैनेज वगैरह करना होगा तो आप मैनेज पे जाके कर लेंगे, एडिट वगैरह कोई पेज से रिलेटेड कुछ करना होगा तो वो एडिट का देखिए, कर्सर पे देखिएगा, एडिट पे जाएंगे तो एडिट पे जाके जो हम लोग टेक्निकल व्यू वगैरह जो मैं बता रहा था, वो एडिट पे जाके आप अपने पेज को क्या कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो बातचीत हम लोगों ने करी है, ये इसी बातचीत को हम लोग अपने मोबाइल पे भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है ना, मोबाइल पे करके देख लेते हैं, जिससे आप जो मोबाइल वाले क्वेश्चन थे हमारे, जो कि हम लोग मोबाइल पे इस चीज को कैसे करेंगे सर, तो मोबाइल वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं एक पॉइंट आप लोग को और भी क्लियर करूंगा। मैं अपनी अभी मीटिंग को 2 मिनट के लिए, हाँ आप लोग का कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एक दो। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन था सजेस्टेड फॉर यू, फिर क्या होता है सर पेज में, मिस्टर कबीर का क्वेश्चन है, एड एंड सजेस्टेड फॉर यू मी डिफरेंट बता दीजिएगा सर। ठीक है, जो एड्स वाली आपका जो डाउट्स वगैरह है, जो एड है वो हम लोग को, एड वाला जो आप लोग का अगर एड्स मैनेजर से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होगा तो वो हम लोग एड्स मैनेजर की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और शिवम अग्रह को सर मोबाइल में बता दीजिएगा। ओके शिवम, मोबाइल पे हम लोग अभी चल चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग फटाक से आ जाते हैं यहाँ से, आके हम लोग अपनी पहले स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को आप लोग को विजुअल कर देते हैं, फिर हम लोग मोबाइल में सारी बातचीत आगे की करेंगे। दो मिनट में आपकी स्क्रीन अभी विजुअल हो जाएगी। हाँ अरुण, आपके क्वेश्चन को भी मैं ले लूंगा, अभी मोबाइल पे ही मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस होगी वो मोबाइल से ही रिलेटेड होगी। ठीक है ना, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए अंजू आप थोड़ा सा बेटा टाइमली कनेक्ट हुआ करिए, क्योंकि काफी पूरी कंप्लीट क्लास आपकी छूट जाती है ना, तो आप लोग कोशिश करा करिए, हो सकता है आपका कोई रीजन वगैरह हो, उसमें कोई बात नहीं, क्लास की वीडियो तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, आप लोग को वो मिल जाएगी। ठीक है, बट कोशिश करा करिए, अगर कोई रीजन नहीं है तो कोशिश करा करिए कि आप लोग टाइमली कनेक्ट हो जाया करिए। ठीक, अभी मैं आपको फटाक से अपनी स्क्रीन विजुअल कर देता हूँ मोबाइल की, जिससे आप लोग आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। वीडियो मिल जाएगा। हाँ वीडियो वगैरह जो आपको मिल जाएगा। हाँ क्वेश्चन किसका था, अभी देखिएगा हमारे मोबाइल की स्क्रीन आपको विजुअल हो जाएगी, बाकी वीडियो के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, सभी टॉपिक का वीडियो आपको डे बाय डे मिलता रहेगा, जिससे आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस वगैरह आसानी से कर पाए। जब आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने मोबाइल फोन से, तो आप लोग को कोई कहीं पे भी अगर डाउट आएगा तो आप अपनी वीडियो को देख देख के उसको रिपीट कर करके चेक कर लेंगे। ओके, अब हम लोग अपने मोबाइल पे आ गए हैं, मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर वे में विजुअल हो गई होगी, आप लोग के जो क्वेश्चन थे वो मैं देखता जा रहा हूँ यहाँ पे। गोरखनाथ ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल की ऑडियो जो भी है स्पीकर वगैरह वो ऑफ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग की क्लास वगैरह रिकॉर्ड हो रही होगी। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने फेसबुक पे आ जाते हैं, ये हमारा, ये देखिएगा हम रेड कलर के सर्कल से आप लोग को सारी चीजें बताएंगे।
हाँ बेटा, अभी उस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए ये आप स्क्रीन पे आप देखते जाइएगा, अभी मैं आपका मिस्टर कबीर का ये जो डाउट है मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ये जो आइकन आ रहा है इस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, अब देखिए मैंने कहा था आपको ये मैं एक पेज का एग्जांपल दिखाऊंगा। ये एक पेज का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे एक पेज बना हुआ है, ये SRT डॉट अनलिमिटेड ट्रैफिक सॉल्यूशन के नाम से हमारा पेज बना हुआ है। किसी का स्पीकर ऑन है वो स्पीकर अपना बंद कर ले, नहीं तो मैं फिर जाके वहां से बंद करना पड़ेगा मुझे। आप लोग ये ध्यान रखा करिए कि किसी का अगर माइक वगैरह ऑन हुआ करे तो वो अपना बंद कर लिया करे, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ अरुण आपका कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन वगैरह आप इसमें डालते जाइए, जैसे कबीर ने डाला हुआ है ऐसे सब लोग अपने क्वेश्चन वगैरह डालते जाइए, मैं देखता जा रहा हूँ इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा जो बिजनेस पेज था, इस बिजनेस पेज में देखिए मैंने किन किन जो जो पॉइंट्स मैंने आपको लोग को बताए रखे हैं उसी पॉइंट्स के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे हमारा पेज जो क्या नाम अकाउंट बना, वो पेज हम लोगों ने बनाया है, वो हमारे पेज का नेम है SRT डॉट अनलिमिटेड ट्रैफिक सोल्यूशन। मतलब हमारे नेम से मालूम चल गया कि हमारा जो वर्क है वो किसी ट्रैफिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ट्रैफिक का मतलब वो ट्रैफिक नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, जो मतलब आप देखते हैं यहाँ पे सॉफ्ट की दुनिया में कहते हैं जो ट्रैफिक हमारी जो ऑडियंस होती है उसको कैप्चरिंग करने को ही हम लोग ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कुछ कुछ पॉइंट पहले से ही क्लियर होंगे, बट काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं मालूम होगी। तो हमें क्या करना है, हमें सभी पर्सन को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो SRT डॉट अनलिमिटेड ट्रैफिक सोल्यूशन हमारे बिजनेस पेज का नेम हो गया। और उसके बाद देखिए ये जो हमारा लोगो बना हुआ है, लोगो हमने एज अ ऑर्डिनरी वे में ले लिया है, ठीक है ना। तो लोगो से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो वर्क है कहीं ना कहीं उस लोगो में देखिए कहीं ना कहीं शो ऑफ हो रहा होगा कि हम लोग का काम क्या है, ट्रैफिक जो हमारी शो हो रही है उसको कैप्चरिंग करने का सोल्यूशन हम लोग के पास, हम लोग अपने बिजनेस के थ्रू या बिजनेस पेज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके कवर फोटो में ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है वेब ट्रैफिक, मतलब वेबसाइट से रिलेटेड जो ट्रैफिक हम लोग को लानी होती है उसकी जो उसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसको हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ सॉफ्टवेयर को नीचे पोस्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लिंक आपको दिख रहा होगा, मैं अभी रेड कलर के सर्कल से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ये रेड कलर के सर्कल से हम लोगों ने देख लिया, ये SRT46.blogspot.com करके कहते हैं हम लोगों ने छोटा सा ब्लॉग बना रखा है एज अ फॉर्मेट में। उस ब्लॉग में हम लोगों ने इस माई ट्रैफिक जैकर का एक लिंक वगैरह, मतलब यहां से हम लोग जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस ब्लॉग पे गिरेंगे जाके, समझ रहे हैं, मतलब हमारी जो ऑडियंस होगी वहां ब्लॉग पे जंप होगी। तो वहां पे जाने के बाद क्या होगा, ये जो माई ट्रैफिक जैकर करके जो अगर ये जो सॉफ्टवेयर हमारा है, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, तो वही पर्सन इस पे क्लिक करके डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा या उसको सिर्फ नॉर्मल सा फील, मतलब उसके मतलब की चीज नहीं होगी तो वो लाइक करना होगा तो लाइक कर देगा, नहीं तो नीचे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। रिचा आप थोड़ा बेटा टाइमली कनेक्ट हुआ करिए, काफी लेट आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कल से आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करा करिए कि टाइम से कनेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आएगी। देखिए लाइव क्लास में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर देता हूँ जो क्लास में मतलब एक नॉर्मल जो पढ़ाने वाली प्रॉपर चीज होती है उससे कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें मैं बता देता हूँ जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आप लोग को बनाने में वो चीज आपके काम आएगी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि टाइमली कनेक्ट हो जाए, हालांकि रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। ऐसे ही सेकेंड हमारा एक पोस्ट था, हमारा प्रॉफिट फिक्सर करके ये दो सेकंड सॉफ्टवेयर था, उसका भी लिंक मैंने इस तरह से प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ये मैं चीज इसलिए आपको दिखा रहा हूँ जिसमें अभी मैं सारी चीजें वर्बली बता रहा था, अब ये चीज आपको मोबाइल से मैं प्रैक्टिकल वे में दिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही सारी सारे बिजनेस वगैरह हम लोग के जो भी होते हैं वो हम लोग पोस्ट करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटी सी मैंने एक लाइन मेंशन कर दी है रेड कलर के सर्कल से, देखिएगा इसमें सारी चीजें गिव यू अ कंप्लीट ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग मैटर, ये जो हम लोग टेक्स्ट वगैरह मेंशन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्शन, ठीक है। सो अब हम लोगों ने आपको यहाँ पे पेज वगैरह के बारे में समझा दिया कि पेज हम लोग किस तरह से बनाते समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं।
हम लोग वापस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हम लोग सबसे एडिशनल चीज क्या चीज देखेंगे कि हम लोग को जैसे देखो यहाँ पे पेज बनाने का तरीका बिल्कुल एज इट इज सेम ही है, उसमें कोई नया कोई खास बातचीत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा नीचे एक पेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये पेज का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पेज के ऑप्शन पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी चीजें वर्किंग हम लोगों ने अभी लैपटॉप पे करके देखी थी, ये कंप्लीट वर्किंग आपको मोबाइल फोन पे करने को करनी होगी, ठीक है ना। ये चीज आपका आज का होमवर्क होगा। जब आपको इस चीज में आज आप लोग उस चीज को करेंगे, अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो कल की क्लास में सबसे पहले मैं नेट पॉइंट को उठाने से पहले सबसे पहले आपके डाउट को क्लियर करूंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे पेज पे जाके आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन मैंने जो भी प्रोसेस बताया था लैपटॉप पे, सेम एज इट इज रिकॉर्डिंग वीडियो देखते जाइएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो रिकॉर्डिंग वीडियो देखता जाएगा और उसको करता जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क होगा। अच्छा सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है अब, सर सेकंड मोबाइल पॉइंट में बताया है वैसा, हाँ आपका कोई क्वेश्चन था बताइए। सर मोबाइल में भी बताया वैसा। हाँ बिल्कुल मोबाइल पे बेटा बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होता है एज इट इज, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने एक चीज में मैंने आपको करके बता दिया, सेम मतलब हम लोग को जितनी भी चीजें पढ़नी है उसका सिर्फ प्रोसेस समझ के रखना है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। भाई हम लोग सेवंथ की क्लास के स्टूडेंट नहीं है कि हम लोग सभी पॉइंट को रटेंगे बैठ के, सिर्फ प्रोसेस को ध्यान में ध्यान से समझते जाना है कि इसके बाद ये स्टेप होती है, इसके बाद ये स्टेप होती है। सर ने बोला था पेज का टाइटल लेते समय ये इस बात का ध्यान रखते हैं, लोगो लेते समय इस बात की इंफॉर्मेशन माइंड सेट भी बना के रखते हैं। ये सारे पॉइंट हमने आपको डिस्कस किए थे लैपटॉप के थ्रू, ठीक है। अब होमवर्क के थ्रू आप लोग को क्या करना है, होमवर्क में आप लोग को यहाँ पे इसी काम को करके देखना है। अब करके जब आप लोग देखेंगे तो वहां पे डाउट आएंगे, जब डाउट आएंगे तब आप लोग नेक्स्ट क्लास में उस चीज को पूछ पाएंगे, तभी क्लास में अच्छे से सारी चीजें डिस्कस हो पाएंगी, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट में हाँ बताइए सर इसका वीडियो कब तक मिलेगा। इसका वीडियो बेटा आज नाइट में आपको ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब मतलब वीडियो आ जाएगा तो आप लोग अपना कर करके देखते जाएगा, वीडियो वगैरह भी रिपीट करके देख लेंगे तो काफी आप लोग को आसानी वगैरह हो जाएगी। अरुण आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा, अरुण का क्वेश्चन मैंने देख लिया, पेज को सर डिलीट करना बता दीजिएगा, अभी मैं उसको भी बता दूंगा एक एक करके पॉइंट में, सभी पॉइंट में हम लोग आ रहे हैं फटाफट। अब देखिए सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या आ जाते हैं, अब आप लोग के पास जब आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी का पेज आपके सामने नहीं बनेगा। अरुण आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका मैसेज ऑन है इस समय स्क्रीन पे मेरे, तो मैं उसमें आप लोग को आपका देख पाऊंगा, ठीक है अरुण। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम लोग अपने पेज का, जैसे हम लोग ने जो पेज बनाया था ये हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपनी में काम करने के लिए जब जाएंगे एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, वो क्या करेंगे, उनका जो पेज होगा उस पेज का आपको एक्सेस देंगे, ठीक है ना। तो ये जो जैसे उसने पेज डिलीट का ऑप्शन पूछा था, उसके पहले हम लोग पेज एक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अपने पेज को एक्सेस कैसे करके देते हैं, ठीक है ना। मतलब तो जैसे मेरा ये पेज है तो हम लोग इस पेज का एक्सेस किसी को कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग मोबाइल के थ्रू करके देख ले रहे हैं। मोबाइल के थ्रू इसलिए कर देख रहे हैं क्योंकि हम लोग की मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो मोबाइल वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहीं पे आके हम लोग जिस पेज का एक्सेस देना चाहते हैं उस पेज को हम लोग अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें srt.laptop एंड डेस्कटॉप सेलिंग का पेज है हमारा, तो हमारे पास कोई मतलब हमारा कोई कलीग वगैरह है या हमारा कोई एक एम्प्लॉय है जिसको हम लोग इस पेज का एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस देने का प्रोसेस क्या होता है ये आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आप ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग उस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पेज का हम लोग को एक्सेस देना है, तो हमने इस पेज को सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके ऑप्शन आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके ये हमारा ऑप्शन आ रहा है। इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। हिमांशु आप बेहद ही लेट कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो सो कोशिश करेंगे हो सकता है आपका कोई इश्यू वगैरह हो, हालांकि क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो तो आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोग थोड़ा सा कोशिश करा करिए कि टाइमली कनेक्ट हुआ करिए। 4 PM की आप लोग की क्लास है और 4:05 पे मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, जिससे क्या हो कि आप लोग आसानी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, जिससे किसी का भी कोई भी डाउट वगैरह या कोई भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है। तो कोशिश करा करिए हिमांशु, आप हो गए काफी स्टूडेंट से जो लेट हो गए हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कल की क्लास में सब लोग टाइमली कनेक्ट होंगे। हालांकि रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो अब देखिए यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, तो मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोग का पेज एक्सेस वाला भी मैं पॉइंट अभी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी परेशान नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, आप मतलब कहते ऐसा मतलब एफडी अकाउंट पे ज्यादा कमेंट करने पर ब्लॉक हो जाता है, पेज पे ऐसा चीज नहीं होती है, ठीक है ना। अब आप फालतू चीजों को करेंगे तो उसके लिए थे, तो फिर कहीं ना कहीं वो देखिए अभी जब हम लोग पेज तैयार कर रहे थे, ओके हिमांशु मैंने आपका कहते इशू देख लिया है, कोई बात नहीं बेटा, अगर नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग क्या देखेंगे, आज आपका नेटवर्क इशू था कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी हिमांशु, ठीक है। तो आप लोग आप उसको देख के, अगर आप देखे देख के सारी चीजों को समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। बाकी हिमांशु अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना डाउट मुझसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड ये क्या बातचीत है, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। अगर आज की क्लास में आपको पेज एक्सेस वाला ऑप्शन बता दूंगा, तो जो जो पेज अरुण का क्वेश्चन था सर पेज डिलीट वाला, एक्चुअली रिचा मैं आपकी बातचीत में समझ रहा हूँ, वो आपकी जो क्लास थी वो तो आपकी 4 PM से आपको सर ने बताया होगा, आज से सर ने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज वगैरह नहीं डाला गया क्या कि आप लोगों की क्लास 5 PM पे है कि 4 PM पे है। अगर नहीं मालूम होगा आपको तो कोई बात नहीं, कल की क्लास हम लोग की 4 PM से ही स्टार्ट होगी, तो आप लोग आज ध्यान से समझ जाइएगा, हो सकता है सर ने शायद ना मेंशन किया हो, हालांकि काफी स्टूडेंट पहले से कनेक्ट हो गए थे तो कहीं ना कहीं सर ने बताया होगा इस बात को, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं, आज की आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को नाइट में मिल जाएगी, बाकी कल से आप लोग का जो क्लास का टाइम होगा वो 4 PM का होगा, ओके। चलिए यहाँ पे एक नया डाउट था, ये हम लोग को क्लियर कर लेते हैं, ये अभी आप लोग नया, और ये जो इंटरव्यूअर होता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे मैं सर्कल के थ्रू बता देता हूँ ये चीज, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो हमारा आ रहा है, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का क्या वर्क होता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का वर्क ये होता है कि जो भी हम लोग की वर्किंग चल रही है या कोई भी पोस्ट वगैरह हम लोग जो वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो, जैसे हम लोग अब स्कूल में, जैसे हम लोग 8th क्लास में या किसी भी क्लास में होते हैं, तो जो क्लास में हम लोग 1 ईयर में जो भी चीज पढ़ाई करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, इनकी भाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, हमारा डैशबोर्ड होता है, जहां पे हम लोग को ये मालूम चल जाता है कि आखिर हम लोगों ने जितने भी मेहनत करी है पूरे साल में उसका क्या रिजल्ट हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। वही चीज जो हम लोगों ने वर्क किया होता है उसका क्या मतलब क्या उसको हम लोग का फीडबैक हम लोग को क्या मिल रहा होता है उसका, वो सारी चीजें कहाँ पे हम लोग देख पाते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटरव्यूअर्स कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है ना, उसका मतलब वो टफ क्वेश्चन को कम ध्यान देता है और इजी क्वेश्चन को ज्यादा उठाता है, वो उसकी थोड़ा सा एक अपना काम करने का तरीका होता है उनका, लेकिन हम लोग को क्या करके चलना है कि हम लोग टफ को भी ध्यान में रखेंगे और इजी पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा पोस्ट रीच, सेकेंड पॉइंट हम लोग का दिख रहा होगा एंगेजमेंट का, थर्ड पॉइंट हम लोग को दिख रहा होगा इंप्रेशन का, 4 पॉइंट हम लोग का दिख रहा होगा नेट फॉलोअर का, ठीक है। अब वो इंटरव्यूअर क्या पूछता है, वो कहता है कि कहते अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग पोस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें जो डैशबोर्ड में रीच और इम्प्रेशन आता है, ठीक है ना, उसका उसमें डिफरेंस क्या होता है, या आप लोग ये बताइए कि क्या क्या मतलब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करके इन दोनों में डिफरेंस फटाक से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो पोस्ट रीच का मतलब होता है कि हमारी पोस्ट पे कितने पर्सन आए, ठीक है ना, तो और जो इम्प्रेशन होता है वो होता है कितनी बार आए। तो अब इन दोनों में डिफरेंस जैसे उन्होंने पूछ दिया कि पोस्ट रीच और पोस्ट इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग कैसे उनको बताएंगे कि सर पोस्ट रीच का मतलब होता है कितने पर्सन आए, ठीक है, और इम्प्रेशन का मतलब होता है कितनी बार आए, ठीक है ना, कितने पर्सन आए इसका मतलब होता है पोस्ट रीच, ठीक है, और कितनी कितने बार आए, ठीक है ना, वो हो जाता है हमारा इंप्रेशन, ठीक है ना, कितने लोग आए वो हमारा हो जाएगा पोस्ट रीच, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसी में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसी चीज से आप लोग सर को मतलब जो भी आप लोग का इंटरव्यूअर्स होंगे उनको आसानी से समझा पाएंगे अपने पॉइंट्स को कि कितने लोग हमारी पोस्ट पे आए हैं वो हमारी है पोस्ट रीच,
और कितनी बार आए वो चीज क्या हो जाएगा, हमारी इंप्रेशन हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ये हम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, ये जो हमारा एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट का मतलब हो जाता है कि उस पर्सन ने आके हमारी पोस्ट पे क्लिक करा है, मतलब वहां पे आके उसने हमारे पोस्ट पर टाइम को स्पेंड किया है। तो उसमें क्या दिखा रहा है कि एक पर्सन ने हमारे टाइम हमारी पोस्ट पे आके उस पर अपने टाइम को स्पेंड वगैरह कर रखा है। यही हमारे डैशबोर्ड का मेन मतलब होता है। यहाँ से सिर्फ यही एक क्वेश्चन जो होता है, इंटरव्यूअर जो भी बच्चे अभी कहते हैं इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उनके क्वेश्चन वगैरह यहाँ से पुट अप करे गए हैं कि पोस्ट रीच और इम्प्रेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन हुआ था तो मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अपने पॉइंट पे आने के बाद जो हम लोग पेज एक्सेस का ऑप्शन ढूंढ रहे थे वो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग उस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पेज का एक्सेस हम लोग को देना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन जो आ रहा था वो डैशबोर्ड पे जाके क्लिक कर देते हैं। डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद जो पेज हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेज खुल जाता है। उस पेज को खुलने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग ये पेज एक्सेस का एक ऑप्शन आ रहा है सर्किल के थ्रू, ठीक है ना। पेज एक्सेस के ऑप्शन पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पीपल विथ फेसबुक एक्सेस और नीचे आ रहा है पीपल विथ टास्क एक्सेस, ठीक है ना। तो पेज के पे जो टास्क करना है उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड करना है कि सीधे सीधे एडमिन बना देना उस लोग उस पर्सन को, मतलब वो सीधे सीधे अकाउंट हैंडल करना शुरू कर दे। अगर अगर आपको जिस पर्पस के लिए यूज करना है उस पर्पस के सामने यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो एक एड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एड न्यू का जो हमारा ऑप्शन आ रहा है उस एड न्यू के ऑप्शन पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे हमें टास्क कराना है अपने अपने जो मेरा पेज है उस पे हम लोग जो भी वर्किंग करते हैं पोस्ट वगैरह कमेंट वगैरह लाइक वगैरह या रिप्लाई करना ये सारी चीजों को, तो ये सारी जो वर्किंग होती है हमारी ये हम लोग किसी अदर पर्सन को करने के लिए दे रहे हैं अपने अकाउंट अपने पेज पे। तो इसलिए हम लोग उसको क्या मैं क्या चूज करेंगे पीपल विथ टास्क एक्सेस, ठीक है। उसके राइट साइड में जो एड न्यू का ऑप्शन आ रहा था उस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन आ गया है। सर्च के ऑप्शन पे जाके हम उस पर्सन को सर्च कर लेंगे जिसको हम अपना एक्सेस देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली पॉइंट्स क्या है कि वो पर्सन हमारा कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट होना चाहिए हमारे अकाउंट से, ठीक है ना। तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग उसको अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। उसको ज्वाइन होने के बाद हम उस पर्सन को सर्च कर लेंगे। जैसे हम अपने किसी एक पर्सन को सर्च कर लेते हैं, जैसे हमने ये में एक पर्सन है शेखर त्रिपाठी करके, इनको हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग किसी भी पर्सन को सर्च करके देखेंगे। आप लोग सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनको हम सर्च कर लेंगे, इनको क्लिक कर लेते हैं। इनको क्लिक करने के बाद क्या करेंगे हमें जिस जिस का इनको अलाउ करना है, ठीक है ना। जैसे एड्स वगैरह में एड्स वगैरह का अलाउ करना है तो हमने एड्स वगैरह को अलाउ कर दिया। इनसाइट वगैरह ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा, फिर कंटेंट वगैरह को अलाउ कर देते हैं। इसको अलाउ करने के बाद नीचे देखिए गिव एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, गिव एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जाके हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ये क्या करेगा कहेगा अपना पासवर्ड वगैरह मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करने के बाद क्या होगा, जैसे आप अपना पासवर्ड वगैरह मेंशन कर देंगे जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है, वो पासवर्ड मेंशन करने के बाद जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे वो पर्सन ऑटोमेटिक वहां पे क्या हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी के जस्ट सामने अंशु आप लोग को क्या लाइक शायद हो सकता है आपको टाइमिंग वगैरह का इश्यू हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि आप लोग के जो क्लास का टाइम है वो 4 PM का है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मालूम है जो लोग 5 PM में कनेक्ट हो रहे हैं तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है सर ने बताया, वैसे बताया होगा सर ने आप लोग को, लेकिन अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो आज की तो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। और अगर जो आप लोग लेट कनेक्ट हो रहे हैं जिनको इश्यू जैसे रिचा थी और भी जो पर्सन थे हमारे तो अंशु वगैरह हो गए,
तो जिनको जो प्रॉब्लम मतलब जो लेट कनेक्ट हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग के ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कल की क्लास में मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी क्लास का जो टाइमिंग है सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, 4 PM का है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे, पासवर्ड मेंशन करने के बाद जो कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी बातचीत के साथ यहाँ से बैक आ जाते हैं अपना, ठीक है। तो मोबाइल पे हम लोगों ने आज क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी उसको समराइज करते हुए आज की क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा मैंने, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग कहते हैं वाइंड अप करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग को एक टॉपिक को उठाया था। फेसबुक में टॉपिक उठाने के बाद हम लोगों ने फेसबुक में पेज बनाना सीखा था। पेज बनाने से पहले हम लोग पेज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जिस पेज जिस प्रोफाइल के नीचे स्पॉन्सर्ड करके लिख के आ जाता है, ठीक है ना। तो स्पॉन्सर्ड लिख के आने का मतलब हो जाता है कि वो हमारा क्या है, वो हमारा पेज है, ठीक है। पेज वाला पॉइंट क्लियर कर लिया था। पेज को आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो उसके नीचे टेक्स्ट वगैरह मेंशन करते हैं उसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं, कैप्शन को मेंशन कर दिया था। और अनिल का कुछ क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं ले नहीं पाया आज की क्लास में, अनिल का कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना, ठीक है। किसी का अगर क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं ले पाया हूं तो कल की क्लास में मैं उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। किसी स्टूडेंट ने कहा था सर मैं पेज को डिलीट कैसे करता हूं, वो मैं कल की क्लास में आप लोग को बताऊंगा। कोई देखिए आराम से चीजों को बस पढ़ते जाइए, बाकी सारे पॉइंट मैं एक एक करके आपको क्लियर करूंगा। किसी भी पॉइंट को ऐसा नहीं होगा जो क्लियर ना करूं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, पेज को बनाना सीखा, पेज को बनाते समय किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, कि हमने पेज को में लोगो वगैरह जो टाइटल वगैरह हम लोग पेज का बिजनेस नेम दिया है वो नेम किस टाइप का होना चाहिए, उस पर वेबसाइट वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है ना। अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, अपना बिजनेस, अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह व्हाट्सएप वगैरह है तो व्हाट्सएप को ऐड कर लीजिएगा वहां से, तो और ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ते हुए फिर लोगो वगैरह लगाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, एड कवर फोटो लगाते समय किन बातचीत का ध्यान रखते हैं, ये सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद लास्ट में फिर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी कि वहां पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं मोबाइल के थ्रू किस कैसे इस चीज को करके देखते हैं। फिर आखिरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग अपने पेज का एक्सेस किसी भी पर्सन को कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये एक्सेस को करने के बाद हम लोग ने उसके बीच में एक पॉइंट भी पढ़ा था प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम लोग ने पढ़ा था कि रीच, इंप्रेशन और भी जो जो पॉइंट्स थे हमारे, उन सभी में क्या चीज का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे और इस पॉइंट पे डिस्कस इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समराइज करके यहीं पे वाइंड अप करेंगे। बाकी कल की क्लास आप लोग की 4 PM पे स्टार्ट होगी और क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग के ग्रुप पे आपको नाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो मैं नहीं ले पाया हूँ वो कल की क्लास में मैं उसको कवर कर दूंगा, आप लोग फिर से एक बार पूछ दीजिएगा उस चीज के लिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम लोग एक एक पॉइंट सारे बेहद इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, हाँ आपको PDF नाइट में वगैरह में मिल जाएगा, परेशान मत होइए अंजू, ठीक है। और क्लास में कहते सब लोग अपने कहते जो मीटिंग्स में सब लोग लेफ्ट कर लेंगे, कोई भी कन्वर्सेशन या मीटिंग टाइम पीरियड में नहीं होगी, क्योंकि मीटिंग में जो भी चीजें होती है वो सब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फटाफट सब लोग अपनी मीटिंग वगैरह कैंसिल करिए। Mm-hmm.